नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इट फैक्ट्स हिंदी के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत देश की उन सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरियों की जिनमें सबसे ज्यादा वेतन और मान प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी वर्तमान समाज की परिचर्चा का केंद्र बना एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय पटल पर देश के युवाओं के बीच ऐसा समावेशित हो चुका है जिसकी प्रवाहित धारा से जुड़कर देश का हर शिक्षित युवा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है और इसी को धन अर्जित करने का माध्यम बनाकर वो जीवन से जुड़े अपने कर्तव्यों और दायित्वों की परिपूर्ति कर लेना चाहता है। इस आकर्षण के केंद्र बिंदु में समाहित है सरकारी नौकरी में मिलने वाली स्थिरता, प्रतिष्ठा और भारी भरकम वेतन। चूंकि हमारी परिचर्चा सरकारी नौकरियों पर आधारित है, लिहाजा हम इसी कड़ी को आगे प्रशत करते हुए ये संदर्भित कर रहे हैं कि पद, प्रतिष्ठा और पावर का अलौकिक संगम बनी ये सरकारी नौकरियां और इसके अंतर्गत अपनी सेवा देने वाले नौकरशाह आज संपूर्ण राष्ट्र की निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। और तो और, कर्तव्य और दायित्व के बखूबी निर्वहन के लिए इन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है। और इस श्रृंखला में हम जिन 10 उच्च वेतन वाली सरकारी सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। IFS, भारतीय विदेश सेवा, जिसको उच्च मानदेय देने वाली सेवाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। भारतीय विदेश सेवा अपने यहाँ नौकरियां प्रदत्त करने के लिए UPSC के माध्यम से सिविल सर्विसेज की परीक्षा संयोजित करता है और उत्तीर्ण प्रतिभागी भारत की पद, प्रतिष्ठा और पावर के समावेशन के प्रतीक समझी जाने वाली इस सेवा में अपनी भूमिका का निर्धारण करवा पाने में सफलता अर्जित करते हैं। जितना बड़ा मानदेय उतनी ही जटिल परीक्षा और उस पर से साथ मिलने वाली सुविधाएं, अद्भुत संयोग। इस पद पर कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय शुरुआती दौर में लगभग $4,000 से $5,000 के बीच होता है। चूंकि ये विदेश सेवा है, लिहाजा मानदेय भी विदेशी मुद्रा के आधार पर निर्धारित होता है। इन्हें दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में रहने के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में इस पद पर कार्यरत नौकरशाहों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होती है, सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण सरकारी वाहन। इस पद पर कार्यरत सेवकों को गृह कार्य के लिए नौकरानी भी सरकार द्वारा सुलभ कराई जाती है, मुफ्त चिकित्सकीय देखभाल, मुफ्त हवाई टिकट भारत आने के लिए। IAS और IPS, पद प्रतिष्ठा का अद्भुत समागम भारत सरकार की इस उच्च मानदेय वाली नौकरी में भी परिलक्षित होता है। भारत के 10 उच्च मानदेय देने वाली नौकरियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आने वाली इस सेवा को उच्च मानदेय की श्रेणी के अनुसार द्वितीय स्थान प्राप्त है। इस नौकरी की स्थिरता, उच्च मानदेय और सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं। शुरुआती स्तर पर लगभग 50,000 वेतन प्लस DA। शहर के पौश इलाके में बड़ा बंगला सरकारी वाहन के साथ जिलाधिकारी पद अनुरूप। इसी पद पर सुरक्षा कर्मी भी। इन्हें विद्युत के उपयोग में भी छूट मिलती है। इन्हें विदेशों में अध्ययन के लिए अवकाश के साथ सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। डिफेंस सर्विसेज, उच्च मानदेय की भारतीय सरकारी नौकरियों में भारत सरकार के डिफेंस सर्विसेज भी शामिल है। इन नौकरियों को प्राप्त करने का अधिकार NDA, CDS, AFCAI जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके किया जाता है। इन नौकरियों के नौकरशाह को देश की सुरक्षा से संबंधित सेवाएं देनी होती है, लिहाजा ये नौकरियां भी पद, प्रतिष्ठा और पावर से अलग नहीं हैं। इन सर्विसेज में नौकरशाह को मिलता है शुरुआती स्तर पर लेफ्टिनेंट पद के लिए लगभग 50,000 से 60,000 रुपए प्लस DA, अच्छे रहन सहन के लिए भत्ता, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट, रख रखाव, उच्च ऊंचाई, बच्चों की शिक्षा जैसे और कई भत्ते भी प्राप्त होते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन। इसरो और DRDO के वैज्ञानिक, अभियंता, उच्च मानदेय प्राप्तकर्ताओं की सूची में ये भी शामिल हैं। इस प्रकार के संस्थानों में कार्यरत नौकरशाहों को समाज में प्रतिष्ठा के मानदंडों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाला उच्च मानदेय सुविधाएं, प्रवेश स्तर पर लगभग 55,000 से 60,000 का वेतन प्लस DA, भत्ते, घर किराया भत्ता, अंतरण भत्ता आदि, 6 महीने के बाद बोनस, कैंटीन में मुफ्त भोजन। RBI ग्रेड B, अगर देश और देश की सुरक्षाओं से जुड़ी सेवाओं से आगे बढ़ें, तो जो दूसरा क्षेत्र है जहां नौकरशाहों को उच्च मानदेय प्राप्त होता है वो है बैंकिंग। और बैंकिंग के बारे में बात करें तो RBI से बढ़कर कोई और नहीं है। इनके मानदेयों और प्राप्त सुविधाओं को विश्लेषित करें तो वो कुछ इस प्रकार है। प्रवेश स्तर पर लगभग 67,000 रुपए प्लस DA, 3 BHK फ्लैट पॉश कॉलोनी में, 180 लीटर पेट्रोल प्रति वर्ष, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, प्रत्येक 2 वर्ष में 1,00,000 रुपए का टूर भत्ता। PSU, भेल, ONGC, IOCL, ये अभियांत्रिकी सरकारी सेवाएं भी भारत सरकार के उच्च मानदेय प्रदत्त करने वाली नौकरियों में विशिष्ट स्थान रखती हैं।
इन अभियंताओं को नौकरी की स्थिरता के साथ जो मानदेय और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। सभी भत्तों के साथ लगभग 52,000 रुपए प्लस डीए, सरकारी आवास या फिर एचआरए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। शांति और साहस दोनों के संयोग की इच्छा रखने वाले नौकरशाहों के लिए भारत सरकार की ये सेवा सर्वदा उपयुक्त है। ये समाज में प्रतिष्ठा के साथ जो उच्च मानदेय प्रदान करती हैं, वो भी आकर्षक हैं। शुरुआती वेतन लगभग 52,000 रुपए प्लस टीए, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण सरकारी आवास और सरकारी वाहन, एक हाउस हेल्पर। स्टेट सर्विस कमीशन यूपीएससी की तर्ज पर राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही ए ग्रेड की कुछ सेवाएं भी उच्च मानदेय देने वाली सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। इन श्रेणी के नौकरशाहों को जो सुख सुविधाएं धन अर्जन के साथ प्राप्त होती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। शुरुआती दौर में लगभग 35,000 से 45,000 का वेतन, सरकारी आवास और सरकारी वाहन, भत्ते और बोनस। सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। समाज को दिशा देने वाले, भविष्य के निर्माणकर्ताओं की भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को भी भारत सरकार द्वारा उच्च मानदेय और सुख सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, जो कुछ इस प्रकार है। शुरुआती स्तर पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर को 40,000 से 1,00,000 तक के मध्य वेतन मिलता है। इसके अलावा अन्य लाभ जैसे मेडिकल सुविधा, रहने की सुविधा, लैपटॉप और अन्य भत्ते। ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उच्च मानदेय नौकरियों की श्रेणी में ये बी ग्रेड की जॉब है। इस सेवा में 3 वर्षों तक विदेश में रहकर देश सेवा का मौका मिलता है। इसमें मिलने वाला उच्च मानदेय निम्नांकित है। लगभग 1,25,000 से 1,80,000 रुपए तक वेतन, रहने की सुविधा, जब नियुक्ति विदेश में हो तो, फ्री चिकित्सा सेवा देश के अस्पतालों में जहां आपकी नियुक्ति हो। उपयुक्त वर्णित सभी सरकारी सेवाएं देश की प्रतिष्ठित और उच्च मानदेय प्रदान करने वाली सेवाएं हैं, जिनमें सेवा देने का अवसर हर शिक्षित युवा भारतीय नागरिक की मंशा होती है, लेकिन जटिल भर्ती प्रक्रिया उनके हौसले तोड़ देती है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन के साथ मानदेय में भी परिवर्तन संभव है। तो दोस्तों, इनमें से आपकी पसंदीदा सरकारी नौकरी कौन सी है, हमें जरूर लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल इट फैक्ट्स हिंदी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।